जोधपुर में नानी और दो दोहितियों की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी दिनेश जाट को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन गेम रमी खेलने का आदी था। जब वह रुपया हार गया तो उसने भवरी देवी के घर में चोरी की वारदात बनाई और इसके बाद तीनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह घर जाकर फिर से गेम खेलने लग गया। डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी दिनेश जाट बनार थाने के नांदड़ी खुर्द गांव का रहने वाला है। जब वह पुलिस टीम गांव पहुंची तो गांव के लोगों ने दिनेश जाट पर शक जताया। गुरुवार को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। प्रारंभिक पूछताछ में दिनेश ने बताया कि वह ऑनलाइन गेम रमी खेलने का आदी था और इसमें वह रुपये हार चुका था, जिसके चलते उसने यह योजना बनाई। भवरी देवी के घर में चोरी की योजना बनाकर जब वह वारदात करने पहुंचा तो भवरी देवी, उनकी बेटी और दोहितियां घर पर ही थी। शराब के नशे में धुत उसने तीनों की हत्या कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दिनेश जाट पहले भी ऑनलाइन गेम में 5 लाख रुपए हार चुका था, जिसके बाद उस पर भारी कर्जा हो गया था। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने हत्या की चश्मदीद महिला के सिर में फंसी कुल्हाड़ी को भी निकाल लिया है। वहीं मामला बनाड इलाके के गांव नांदड़ी खुर्द का है। पुलिस आगे की जाँच करने में जुटी हुई है और फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, जो कल ये दुखद घटनाक्रम हुआ, इसमें एक लड़का है दिनेश सन ऑफ सुजाराम, इसको डिटेन किया है और इससे प्राथमिक पूछताछ में इसके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया है। अभी इसके और साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसका मोटिव रहा हत्या का, वो बेसिकली पैसे के लिए हुआ। जो अभियुक्त है वो जुए में काफी पैसे हार चुका है, उसलिए इसे पैसे चाहिए थे। अभियुक्त का मृतक परिवार के घर लगातार आना जाना था, बेरोकटोक आना जाना था, तो इसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में कुछ जेवरात में। हालांकि जो FIR दी गई है उसमें कोई जेवरात या कैश का जिक्र नहीं है, फिर भी हम उस एंगल पे भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मोटा मोटे तौर पे इस चीज का कल के खुलासा हो गया। और कितने आरोपी हो सकते हैं? अगर इसमें और संभव है तो ज्यादा से ज्यादा एक आरोपी और होगा, बाकी और कोई आरोपी इसमें अभी फिलहाल की हमारी तफ्तीश में सामने नहीं है। आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उस घर में कितने समय से इसका आना जाना था? ये आरोपी है नांदड़ा खुर्द का ही रहने वाला है, दिनेश राम है इसका और इसके फादर का नाम है सुजाराम। सुजाराम सर इलीगल रिलेशन को भी नहीं, इसमें कोई अभी इलीगल इलिसिट रिलेशंस के लेके अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई जमीन का विवाद सामने आया है। बेसिकली ये मर्डर फॉर गेम के हिसाब से, जैसे कहते हैं लाभ के लिए हत्या करना, वो मामला प्रतीत हो रहा। क्या हुआ था घटनाक्रम पूरा? तो ये हुआ था कि सबसे पहले तो जो बुजुर्ग महिला थी भवरी देवी, उनके ऊपर सर पे इसने मार किया, जिसके बाद उनको उनके खून बहता हुआ देख वो दोनों बच्चियां जो थी वो रोने लगी। उनको चुप कराने के लिए इसने उनको पानी के टाके में मार दिया। बच्चियों की मदर अंदर सो रही थी, उसके सोते हुए के सिर पे वार। उसके बाद इसने संदूक का ताला तोड़ करके तलाशी वलाशी ली, उसमें कुछ नहीं मिला, फिर ये मां से रवाना। जिस समय पुलिस पहुंची वहां पर एक बार ये आया जरूर था, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान है अभी शक्ल देख करके भी मेरे को याद आ रहा है कि ये कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे परिजनों से और गांव वालों से तो ये वहां पे मौजूद था। तो कोई प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता था, पास वाले कमरे में तो सो रही थी। बेसिकली कोई इसका काम धंधा इसके पास है,
आवारा गर्दी करता है और शराब का भी आदि है और जुए खेलने की जुआ खेलने की उसको लगता है। दिनेश ने कुछ समय पूर्व इसके घर में चोरी भी की थी मालेलाल के घर में, नहीं ऐसी ऐसा तथ्य नहीं है कि इन्हीं के घर में चोरी की हो। उसने 7 साल पहले इनके घर में चोरी की थी जो ट्रेसआउट नहीं थी, 2017 की बात है वो, शादी के शादी समारोह में चोरी हुई थी, लेकिन उस समय भी इसका कोई रोल सामने आया नहीं। सर पुलिस का कहना है कि वो संतोष जी वाला पीछे कमरे में जाती थी जहां, आपने तो मौका देखा होगा कितनी से तो दूर है वो, इसमें मुश्किल से 10-5 फुट का तो फासला है जिसमें भवी देवी की हत्या की गई उसमें और जिस कमरे में संतोष पे वार किया। तो पुलिस किस तरफ मानी आरोपी को किस तरफ से? ये तो हम लोगों का टेक्निकल जो टीम है और रात भर इसी में लगे रहे थे तो, और उसके बाद ये सारे इन लोगों के टेक्निकल असिस्टेंट से हमें जो प्राप्त हुआ इस बारे में, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत हमारे को सपोर्ट किया, हमारे जो स्पेशल टीम के लड़के हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इन लोगों ने एक एक चीज को हमें ला के रात में ही बताया कि सर यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ, उससे एक एक कड़ी जो होते जाए। रिश्तेदारी तो नहीं है, डायरेक्ट रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन अब एक ही गाँव के हैं, आना जाना लगा हुआ है और इसका इनके घर में लगातार आना जाना। उसको उसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में मिल जाएगा मेरे, लेकिन मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। तो 2 लाख रुपए की बात भी पिछले महीने गई थी जिसके ऊपर